नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यह है हमारी एक नई सीरीज है जिसका नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। सो फ्रेंड, हम यहाँ पे UPSC के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का जो आर्टिकल है उसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड है कोरोना वायरस से और हम इसको रखेंगे किसमें, हेल्थ की कैटेगरी में। और हेल्थ किस में आता है, GS2 में। सो फ्रेंड, न्यूज क्या है, नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। किसके द्वारा कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कह सकते हैं नो कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में धीरे 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 नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे थे, 1 से 4 मान लेते हैं, 6 हो गए, 10 हो गए, फिर 100 के बाद एक सडन इंक्रीज हुआ 150, 200, है ना, 271 और 350, ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये एक मतलब बढ़ता हुआ चला गया। अब देखिए, इससे एक आशंका लगी कि नंबर ऑफ केसेस सिंगल डे में 50 से ज्यादा आ गए। इससे क्या लगा कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया, कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं हो गया। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कंफर्मेशन दी, सडन हाइक इन द नंबर ऑफ न्यू केसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटेड दैट देर इज करंटली नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन येट इन द कंट्री। क्लियर। अब ये जो शब्द है COVID-19, ये क्या है, ये है कोरोना वायरस, आगे D4 डिजीज 2019, COVID-19। क्लियर, ये सारे शब्द क्लियर हो गए। COVID-19 आउटब्रेक इन इंडिया। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने नकार दिया कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आई। कि रिपोर्ट क्या थी कि भाई जो तमिलनाडु, नागपुर और इसके अलावा पुणे में जो केसेस पाए गए, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से नहीं थी। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, फ्रेंड्स, न्यू केसेस फ्रॉम तमिलनाडु, पुणे एंड नागपुर, वेर इन द इन्फेक्टेड पीपल हैव नो ट्रेवल हिस्ट्री और नॉन हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। सो द हेल्थ ऑफिशियल्स हैव क्लेम्ड दैट ऑल केसेस कंफर्म्ड सो फार कुड बी लिंक्ड टू द इंपोर्टेड केसेस। क्लियर। अब यहां पे एक पैच है, मतलब इस रिपोर्ट के द्वारा आप क्या कुछ अंदाजा लगाएंगे। अब जो इन तीन जगह से केसेस आए, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है बाहर की। ओके, चलिए इस चीज को छोड़ते हैं यहीं पे। आगे क्या कुछ क्लियरेंस आता है उसके ऊपर देखते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए इसको लेके, इसको रोकने के लिए, है ना। क्या कोई वैक्सीन बनी है? अगर वैक्सीन से रिलेटेड आपको जानना है कितना खर्चा आएगा, कैसे वैक्सीन बनती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, तो आप जान सकते हैं किसमें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो बात आती है कि क्या क्या स्टेप्स उठाए। एक जनता कर्फ्यू लगाया गया, कब, 22 मार्च को, 22 मार्च 2020। कब से कब तक, सुबह 7 से शाम को 9 बजे तक। और एक्सपेक्टेड था कि ये एक शुरुआत है ना, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह एक जंग की शुरुआत है ना, अभी लड़ाई बाकी है। क्लियर। सुबह 7 बजे से लगा और शाम को 9 बजे तक रहा, यानी कि 14 घंटे का। चलिए, जो जो स्टेप्स उठाए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। फ्रेंड्स,
कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? एनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कैसे मेंटेन की जाए, है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा एक जो चेन है ना वो तोड़ी जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये कुछ और पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, ये जो MyGov वेबसाइट है वहां पे ये पोस्टर अवेलेबल था, क्लियर, और प्लेज यानी कि जो शपथ है वो भी दिलाई जा रही थी वहां पे, और आप शायद अभी भी ले सकते हैं इसकी शपथ। ओके, सो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट आता है कि एनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। अब सोशल डिस्टेंसिंग का फर्स्ट स्टेप क्या उठाया गया कि भाई जनता कर्फ्यू, ठीक है, जनता कर्फ्यू, और ये कर्फ्यू का नाम चेंज करके लोगों ने क्या कर दिया, केयर फॉर यू। ओके, सही भी है। कितने टाइम का लगाया गया, 14 घंटे का। अब अगर एकदम से एनफोर्स कर देते एक कर्फ्यू वाली सिचुएशन की, भाई 14 दिन के लिए लॉकडाउन सिचुएशन बना दी जाए, तो शायद हो सकता है कि हाहाकार मच जाता, है ना। यह एक शुरुआत की गई और इसके साथ साथ बहुत बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसको इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज किया भी। जैसे कि हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मतलब कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। ओके, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वो, इसके अलावा पंचकुला। ओके, और टोटल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 75 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और 22 स्टेट लगभग, है ना, 22 राज्यों के 75 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए जा चुके हैं अभी तक। फ्रेंड्स, इंडिया वुड बी ऑब्जर्विंग ए नेशन वाइड 14 आवर्स लॉकडाउन, ऑब्जर्विंग ए जनता कर्फ्यू। यह एक शुरुआत मात्र थी, है ना, एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू स्ट्रिंजेंट मेजर टू एनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी हो चुका है, आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, है ना। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पॉइंट है, इसमें क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जो बायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको अलाउ किया जाए किसके लिए, कि ये जो वायरस है इसको कल्चर करवा लिया जाए किसमें, लैब में ही, है ना। ये किसकी रिकमेंडेशन है, WHO की। अब जो वायरस है उसको कल्चर करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें वैक्सीन बनानी है ना। सो दो पॉइंट तो ये हुए जो स्टेप्स उठाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कह सकते हैं WHO की भी कुछ रिकमेंडेशन है उनको लागू करते हुए। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिवाइज्ड इट्स टेस्टिंग स्ट्रेटेजी टू चेक द स्प्रेड ऑफ COVID-19। ये जो तीन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है रिवाइज्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, क्लियर। सो फ्रेंड, ICMR हैज एक्सपेंडेड इट्स टेस्टिंग टू इंक्लूड ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ ए कन्फर्म्ड केसेज वुड बी टेस्टेड वंस बिटवीन Day 5 एंड Day 14 ऑफ कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद द कन्फर्म्ड केसेज, क्लियर। एंड फ्रेंड, एज पर द ICMR, डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट इंक्लूड दोज हु लिव इन द सेम हाउस होल्ड विद ए कन्फर्म्ड केसेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हु एग्जामिन्ड ए कन्फर्म्ड केस विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन एज द WHO रिकमेंडेशन, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, गिवन द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ केसेज हैज इंक्रीज,
the number of sample being tested must also increase accordingly. And in this direction, the government is set to specify the specific guideline for private sector diagnostic companies to offer testing services. Clear? अब कुछ क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से रिलेटेड पॉइंट है. क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग वॉज इम्पोर्टेड टू 1000 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री एंड स्टेट हेल्थ सेंटर आर शेड्यूल्ड टू टेक पार्ट इन द मॉक ड्रिल ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वेंटिलेटर यूज एंड एडवांस केयर ऑफ पेशेंट. सो फ्रेंड, आई होप ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके. कौन कौन से स्टेप हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उठाए हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे, कुछ WHO के रिकमेंडेशन, यानी कि आप सारी ही WHO की रिकमेंडेशन आप मान सकते हैं. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जनता कर्फ्यू फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया. कितने घंटे के लिए? 14 घंटे के लिए. उसके बाद सभी को लग रहा था कि हाँ अभी ये जो जंग है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ लोगों का एक्सपेक्टेड था कि ये आगे चलने वाली है और यह सिर्फ एक शुरुआत है. उसके बाद 22 राज्यों के 75 से ज्यादा जिलों के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन अभी फिलहाल हो चुका है. सो ये एक सोशल डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, है ना. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो वायरस का जो क्या बोलते हैं, वायरस को कल्चर किया जाए, इसकी परमिशन भी दे दी जाए. किसको? बायोलॉजी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको. क्यों? जिसके द्वारा कि वो जो वैक्सीन है वो डेवलप कर पाए. वैक्सीन कैसे कैसे डेवलप होती है, वैक्सीन में क्या कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका लेसन भी अवेलेबल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप जस्ट वहां पे क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं. So that's all from this lesson. Thanks for watching this. Thank you very much and have an awesome day.